ओम जी आइए जानेंगे कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कब्ज, बादी बवासीर, खूनी बवासीर, भगंदर, कांच निकलना, पेरालिसिस ऑफ रेक्टम से लेकर कैंसर बीमारियां, सभी शारीरिक मानसिक के लगभग 90% बीमारी का मुख्य कारण है पेट। स्त्री पुरुषों के प्रजनन अंग संबंधित सभी गुप्त रोग, मानसिक गठिया, अर्थराइटिस, सिर दर्द, वेरिकोज वेन्स, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा आदि अनेक रोग का मुख्य कारण तो पौराणिक कब्ज ही है। दैनिक भोजन के पश्चात मल आंतों में समय से अधिक समय तक रुके रहना ही कब्ज कहलाता है। पाचन का आदर्श सिद्धांत है, यदि दो बार भोजन मिल्स लेते हैं दो बार शौच जाना चाहिए। अगर एक बार शौच जाते हैं पेट पूरी तरह साफ नहीं होता है, या दिन में बार बार शौच जाते हैं, या कोई दिन तक शौच नहीं जाते हैं, इसे कब्ज कंस्टिपेशन कहलाता है। खाने पीने की अनेक त्रुटियाँ शरीर के वजन के अनुसार, कम अत्यंत कम पानी पीना, शौच आने पर रुकने की प्रवृत्ति, शारीरिक परिश्रम या व्यायाम ना करना, अधिक परिश्रम के बाद बिल्कुल आराम ना करना, चिंता तथा गलत विचार रखना, आंतों की कमजोरी ही कब्ज कंस्टिपेशन समेत इन बीमारियों के मुख्य कारण है। मैदा, चीनी, बेसन से बनी हुई चीजें ज्यादा खाना, खट्टी चटपटा चीजें ज्यादा लेना, बिना भूखे खाना बार बार खाना, भोजन में अधिक मिर्च मसाले लेना, अचार लेना, भोजन के बीच में या बात तुरंत पानी पी लेना, जल्दी जल्दी खाना, खाना चबा के नहीं खाना, अधिक देर तक कुर्सी में बैठ कर या खड़े होकर काम करना, चीनी, रिफाइंड तेल, पाम तेल से बनी हुई सामान, नमकीन चीज़ें ज़्यादा लेना, पानी कम पीना इन बीमारियों के मुख्य कारण हैं। याद रखें जल ही जीवन है, पानी कब कैसा कितने पीना चाहिए, अपने अपने रोगानुसार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, इन संबंध में मेरा दूसरे वीडियो देख लें। विरुद्ध आहार मिलाकर खाना, रात में ज़्यादा खाना या अधिक रात में खाना भी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला आदि इन बीमारियों के मुख्य कारण है। बीमारियों के अन्य कारणों में से प्रदूषण, यूरिया, DAP आदि रासायनिक खाद से निर्मित अनाज सब्जियां खाना, मिलावट चीज़ें खाना, एलोपैथी मेडिसिन के अनेक पार्श्व प्रतिक्रियाएं, नशीले पदार्थ, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि लेना, जेनेटिक आनुवंशिक बीमारियां, यौन संपर्क संक्रमण, वायरल बैक्टीरियल डिजीजेस भी बीमारियों के अन्यतम कारण हैं। ओम नमस्कार प्रणाम।